गाइस, माय नेम इज सोहेल रजई और वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास सैमसंग, ब्लू स्टार, गोदरेज, लॉयड और यूरिका फोर्ब्स का इन्वर्टर एसी है और उसमें EL01 करके एरर शो हो रहा है, तो EL एरर किस चीज का है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्या आपको चेक करना है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल और रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है फ्रिज जैसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे सैमसंग इन्वर्टर एसी, ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी, गोदरेज इन्वर्टर एसी, लॉयड इन्वर्टर एसी और वोल्टास इन्वर्टर एसी और यूरिका फोर्ब्स इन्वर्टर एसी में अगर EL01 करके एरर आ रहा है तो एरर गाइस आपका इनडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्ट है। उसमें आपको करना यह है गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि होता यह है कि अगर हमारा नया एसी अभी हाल ही में हमने इंस्टॉल कराया है और वो तुरंत अगर ऐसा एरर मार रहा है तो आप जो है उसके इंडोर टू आउटडोर जो कनेक्शन है 1, 2, 3 जो भी आपका इंडोर में है और वही आउटडोर में जो वायर जाता है तो आपको चेक ये करना है कि आपके इंडोर यूनिट में जो एक नंबर में वायर जुड़ा हुआ है वही आपको आउटडोर में सीरियल वाइज आपको जोड़ना है वही कलर हुआ, तो ये एरर आप हटा सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपका एसी हो गया है 1 महीना 2 महीना या कुछ ज्यादा टाइम हो गया उसके बाद ये एरर आ रहा है आपके, तो ये एरर गाइस कम्युनिकेशन फॉल्ट है। इसमें होता ये है कि आपकी जो आउटडोर के जितने भी कनेक्टर लगे हुए हैं, फैन मोटर के वायर और जितने भी सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, तो आप उस सेंसर को आपको निकाल के फिर से आपको उसमें लगाना है और उसके बाद आप फिर से ऑन करेंगे अपने एसी को तो ये एरर हट जाएगा। अगर उसके बाद भी एरर नहीं हटता है गाइस तो आपको आउटडोर की पीसीबी चेंज करना पड़ेगा। आउटडोर पीसीबी चेंज करने के बाद EL01 वाला जो एरर है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।